tasty. Yummy. Assalamualaikum. उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे. कुकनॉलेजी में एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ. आज मैं बनाऊंगी मटन कढ़ाई, मगर रेस्टोरेंट स्टाइल में. तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं. एक तिहाई कप ऑयल लिया, मतलब 1/3. एक खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया और थोड़ा सा फ्राई किया. दो बड़ी प्याज कद्दूकश करके डाली है मैंने. फ्राई किया जब तक ये ब्राउन होती. तकरीबन 1.5 किलो मटन ऐड किया. बोटी थोड़ी छोटी रखी है ताकि जल्दी बन जाए. ब्राउन होने तक फ्राई किया. तकरीबन 5 मिनट हाई फ्लेम पे भुना. एक खाने का चम्मच लहसुन अदरक कुटी हुई ऐड की. 1 मिनट और भुना. 3 मीडियम साइज़ के टमाटर बीच में से काट कर इस तरह से ऐड किए और 1 मिनट के लिए कवर कर. छिलके सॉफ्ट हो चुके हैं, इस तरह से निकाल लिए. टमाटरों को थोड़ा चम्मच से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अभी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बाद में मिक्स हो जाए. 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच नमक, आधी चाय की चम्मच हल्दी और आधी चाय की चम्मच गरम मसाला ऐड किया. तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भुना. बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के मैंने अच्छी सी भुनाई की. आधा कप दही में मैंने 1 कप पानी डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके ऐड किया. थोड़ा सा कुक किया सो 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इस तरीके से. इसके बाद कवर करके 40 मिनट के लिए बिल्कुल स्टीम पे छोड़ दी. गोश्त बिल्कुल गल चुका है. थोड़ा सा गरम मसाला, कटी हुई अदरक और कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड की और दोबारा से कवर करके 1 मिनट के लिए स्टीम पे रहने दिया. माशाल्लाह, देखें ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल मटन. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी. अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर.